हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू एक्स इफ़ द 7 की पावर x+7 इक्वल 49 की पावर 4x+7। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले क्वेश्चन को मैजिटिस लिखेंगे, 7 की पावर x+7 इक्वल 49 की पावर 4x+7। 7 की पावर x+7 इक्वल 49 को हम स्क्वायर में ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है हमारे पास 4x+7। हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, 7 की पावर x+7 इक्वल 7 की पावर 2। या इसके लिए हम ये रूल लगता है, यदि पावर की भी पावर हो तो हम इसको ले सकते हैं मल्टीप्लाई में, a की पावर m इंटू n। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम 7 को लिख देंगे 7 की पावर 2 इंटू 4x+7। 2 का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, इसको एज इट इज लिख लें। 7 की पावर x+7 इक्वल 7 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 4x+7 में करेंगे तो 8x+14 आएगा। हम यहाँ देखेंगे 7 की पावर x+7 ये लिखा है और 7 की पावर 8x+14 ये लिखा है। अब हम यदि इक्वल में कोई भी बेस अगर सेम हो तो कट जाते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, हमारे पास बचेंगे पावर x+7 इक्वल 8x+14। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सेम कोफिशिएंट वाले को वन साइड लिख लेंगे और कॉन्स्टेंट को वन साइड। सेम कोफिशिएंट क्या है? एक्स, और इक्वल के इस साइड 8x है, तो इस इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का प्लस का 7, राइट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 7, और 14 को एज इट इज लिख लेंगे। माइनस 8x में से अगर x आएंगे तो माइनस का 7x बचेगा, इक्वल 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा, माइनस 7x इक्वल 7 मिल गया हमें। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो x को यहीं रखेंगे इक्वल के, और 7 कहाँ जाएगा? इक्वल में जो 7 है उसके डिवाइड में, तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 1 टाइम्स। यह आ जाएगा x = -1।